Hello guys, welcome back to my channel. So today I am going to review on Pond's BB Plus White Beauty. So आज हम इस product पे review करेंगे. So this product is in the market so long. ये market में around 2-3 years से product market में available है और बहुत अच्छा product है. अच्छी coverage दे देता है आपको, light to medium coverage देता है. तो आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे. तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैं खुद इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है. तो आज हम इसी का डिटेल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि प्लीज़ वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ जो साथ में एक बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो ये है पॉन्ड्स बीबी प्लस वाइट ब्यूटी की. आजकल की जो बिजी लाइफ है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मेकअप करने का, तो बीबी क्रीम और सीसी क्रीम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं. क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि लाइट टू मीडियम कवरेज बीबी क्रीम और सीसी क्रीम देती हैं आपको. तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप सिर्फ इसी से इसे अपने फेस में लगा के और अपना बाकी का जो लिपस्टिक काजल वगैरह है आप उससे अप्लाई कर सकते हैं. तो आपका अच्छा खासा ये मेकअप से हो जाता है. अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए तो आप बीबी क्रीम और सीसी क्रीम से काम चला सकते हैं क्योंकि ये अच्छी कवरेज आपको लाइट टू मीडियम कवरेज देता है. तो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि इसमें जो है वो सिर्फ दो शेड अवेलेबल है और ये स्पेशली इंडियन स्किन टोन के लिए बनाया गया है ये प्रोडक्ट. क्योंकि इसमें जो है वो दो शेड ही हैं, इसमें फेयर टू मीडियम स्किन के लिए है तो इसमें सिर्फ दो ही शेड अवेलेबल है. और जो शेड मेरे पास है वो है 01 ओरिजिनल. तो इसमें जो आपको मिलता है वो है SPF 30 PA++ और इंस्टेंट स्पॉट कवरेज प्लस नेचुरल ग्लो है इसमें, ऐसा ही क्लेम करता है. और जहां तक मैंने इसको यूज करा है तो हाँ, इसकी कवरेज काफी ठीक ठाक है, तभी मैं इसे यूज भी कर रही हूँ. और जो बीबी क्रीम सीसी क्रीम है, सीसी क्रीम में थोड़ी सी ज्यादा कवरेज होती है लेकिन बीबी क्रीम जो होती है वो थोड़ी सी लाइट होती है. लेकिन आप वो अपने अकॉर्डिंग देख के ले सकते हैं कि कौन सी क्रीम आपकी स्किन को सूट करती है. बिकॉज आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन एंड ऑयली स्किन, तो मैं खुद बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगी. मैं भी बहुत चूजी हूँ इन चीजों में, लेकिन हाँ ये क्रीम काफी हद तक बहुत अच्छी है और अभी तक मेरे पास है और मैं यूज करती रहती हूँ. इसकी अगर पैकेजिंग की बात करें तो इट कम्स इन अ ब्राइट पिंक एंड सिल्वर कलर कर्टन. इसका ये देखिए, इस तरह का इसका ये बाहर से आउटर पैकिंग है ये वाली इसकी, इस तरह का कार्डबोर्ड है इसका बाहर से. और ये जो अभी मेरे पास है ये स्मॉल वाली है, ये 3 साइजेस अवेलेबल हैं. तो मेरे पास है ये जो ये स्मॉल वाली है, मैंने ये इसलिए ली थी, मैं कैरी करती हूँ बैग, उसके लिए मुझे ये वाली चाहिए होती है. क्योंकि मैं बड़ी प्रेफर नहीं करती हूँ, वो मैं अपने मेकअप बॉक्स में ही रखती हूँ. लेकिन हाँ, मुझे अपने जो, क्योंकि ये बीबी क्रीम है तो मैं कभी भी इसे यूज कर लेती हूँ, मैं अपने पास इसे रखती हूँ. तो मेरे हैंडबैग में ये अक्सर आपको मिलेगी, तो मेरे तो मैं इसे अपने हैंडबैग में रखती हूँ, इसलिए मैंने छोटी वाली खरीदी है. और जो बड़ी वाली है वो बेसिकली मेरे मेकअप किट में होती है. तो इसमें 3 साइजेस अवेलेबल है, ये है सबसे छोटी वाली, तो इससे सबसे बड़ा साइज है. उसमें आपको मिलेगा पंप, उसमें पंप सिस्टम है, लेकिन मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ. तो अंदर से कुछ ये इस तरीके की है, व्हाइट कलर इसका ट्यूब है एंड विद सिल्वर कैप. इट्स अ ट्रेवल फ्रेंडली प्रोडक्ट, तो ये काफी ज्यादा ट्रेवल फ्रेंडली है क्योंकि ट्यूब फॉर्म में आता है. और ये बहुत ही ज्यादा, इसका जो सेकंड वाला है वो भी इसी तरीके के ट्यूब फॉर्म में आपको मिलेगा और जो सबसे बड़ा वाला है वो आपका पंप में मिलेगा. तो ये देखिए, इसका है इस तरीके का नोजल. ये इसलिए ट्यूब मुझे ज्यादा पसंद आई क्योंकि इसका जो नोजल है वो है कि आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए वो उतना ही बाहर आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा. अपने अकॉर्डिंग ही इसको निकालिए और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं. और जो इसका नोजल है ना वो इसलिए भी अच्छा है कि आप अपने फेस पे इसको इस तरीके से निकाल निकाल के भी, जैसे आप अपने फाउंडेशन को डॉट्स में अपने फेस पे लगाते हैं, उस तरीके से आप डायरेक्टली इस ट्यूब से भी अपने फेस में डॉट डॉट कर सकते हैं. इसलिए इसका नोजल मुझे और भी पसंद आया है. और
ये देखिए इस तरीके का है ये, इसकी कंसिस्टेंसी। और मेरा शेड 01 है, इसमें दो ही शेड अवेलेबल है इसलिए। और ये जो है ना इसका, ये बहुत इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है, तो इसलिए भी मुझे ये बहुत पसंद आया। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसको अच्छे से ब्लेंड करें और बहुत ज्यादा इसको रब नहीं करें। अगर आप इसको डैबिंग मोशन में करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छी शाइन आएगी फेस में, और जितने भी आपकी फेस में ब्लेमिशेज है ना वो एक बारी में ये हाइड कर देती है, क्योंकि इसकी जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मुझे बहुत पसंद आई इसकी कवरेज। तो एक ही बारी में अगर अच्छी क्वांटिटी में आप इसे एक बार में लगाएंगे तो आपके सारे ब्लेमिशेज, आपके डार्क स्पॉट्स को ये कवर कर लेती है। तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, और ऐसा ही क्लेम भी करती है कि आपके ब्लेमिशेज को हाइड कर देगी। तो हाँ, ये क्रीम वाकई बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 01 जो ओरिजिनल है वो बेस्ट सूटेड फॉर लाइट टू मीडियम स्किन टोन, और जो इसका दूसरा वाला शेड है वो है बेस्ट सूटेड फॉर मीडियम टू डीप मीडियम स्किन टोन। सनस्क्रीन के साथ में इसे यूज करती हूँ, या फिर मैं कभी कभी मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर लेती हूँ उसके बाद, देन उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। आप इसको जैसे भी लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। और जो है बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा ओवर फ्रेग्रेंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करे। तो फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, पैकिंग भी अच्छी है, टेक्सचर भी अच्छा है, कवरेज भी अच्छी देती है। तो ऑल ओवर ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं इसको बिग थम्स अप दूंगी। और अगर इसकी बात करें हम इसके प्राइजेस की, तो ये सबसे छोटा वाला है तो ये 67 रुपीज का है, 2 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ भी है। और आप जो आपको साइज लेना है वो साइज में आप कंफर्टेबल है वो साइज ले सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो प्लीज मॉइस्चराइजर लगा लीजिए स्किन पे पहले, अगर ऑयली स्किन है तो, अगर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको SPF 30 PA++ मिलता है। और आप, बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको एक बार देख सकते हैं। तो बस यही था आज का ये रिव्यू था मेरा। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।